जी आया नू प्यारे विद्यार्थियों, इंग्लिश मीडियम दी 8th क्लास दी मैथ दी न्यू बुक चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 9.2 ते इस एक्सरसाइज दा क्वेश्चन नंबर 1 असी इस वीडियो विच करांगे। तुसी वीडियो नू बड़े ध्यान दे नाल देखो, सुनो ते समझो। सॉल्यूशंस नू अपनी नोटबुक विच कॉपी डाउन कर लो, पर बाद विचों इस क्वेश्चन दे सारे पार्ट्स नू बिना देखे अपने आप करन दी प्रैक्टिस भी जरूर करो। सो आओ शुरू करिए। इसी चैनल ते प्यारे विद्यार्थियों, तुहाडी 8th क्लास नाल जुड़ियां कुछ होर प्लेलिस्ट भी हैगियां हन, तुसी उन्हां नूं भी जरूर देखो। एक हैगी है 8th मैथ कॉन्सेप्ट्स, 8th साइंस हैगी है, फिर एक हैगी 8th इंग्लिश, एक हैगी 8th ग्रामर, फिर हैगी है मैथ कॉन्सेप्ट्स, ते एक हैगी है मैथ शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स। सो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन दे पार्ट्स अलग-अलग। सो ये बड़े बेसिक किस्म दे क्वेश्चंस हैगे ने, जिहदे विच डिफरेंट शेप्स, क्वाड्रिलेटरल, रोम्बस, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, इन्हां दे एरियाज वगैरह दे सानू फेमिलराइजेशन होएगी। और देखिए, सो जे फिगर दिती हुई है ते असी इहदा एरिया पता करना है, ठीक है, क्वाड्रिलेटर दा। सो गिवन H1 ए जिहड़ी असी वर्टेसिस तों दो खिंचदे आ, इहनूं असी इक नूं H1 लै सकदे आ, इक नूं H2 लै सकदे आ। सो H1 इज 3 सेंटीमीटर्स, H2 इज 5 सेंटीमीटर्स, ते D नूं असी डायगनल लै लैंदे आ। अगर दो डायगनल लाउन तो एक नूं D1 एक नूं D2 कहोंगे, इक्को डायगनल लगा इतने। सो D मैंने डायगनल, सो ए AC इट इज 6 सेंटीमीटर। सो बच्चों सानू यह फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर एनी क्वाड्रीलेटरल वी नो दैट क्वाड्रीलेटरल्स एरिया इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट पाके H1 + H2, मतलब कि दी सम ऑफ दी टू अल्टीट्यूड्स, ठीक है ना। ए अल्टीट्यूड इस वर्टेक्स तो इतने हैगा है डायगनल ते, ए अल्टीट्यूड इस वर्टेक्स तो डायगनल ते हैगा, ठीक है। सो H1 + H2 इंटू D, देयर फोर द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD ए की हो जाएगा फिर साढ़े को 1/2 3 + 5 जरा है वैल्यूज पा देंगे इंटू 6। सो 3 + 5 इंटू 3 + 5 8 हो जाता है। सो 1/2 × 8 × 6, सो 2 4 द 8 4 × 6 इज गुड 24 सेंटीमीटर² साडा एरिया आ गया, ठीक है। अगे चलिए, हुण आ गया बच्चों सेकेंड पार्ट। हुण सेकेंड पार्ट विच की बच्चे देखो साफ पता लगता है रोहम्बस हैगी है, बिकॉज ए देखो ए जिहड़े दो डायगनल्स हैगे ने दे आर इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल। व्हेन टू डायगनल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, तो यदा मतलब की है जोड़ा है रोहम्बस है या स्क्वेयर है। सो स्क्वेयर तो हो नहीं सकता, क्योंकि इतने देखो जरा दिस एंगल इज मोर दैन 90 डिग्री, दिस एंगल इज लैस दैन 90 डिग्री, देख के पता लग रहा है। बट ऑल दीज फोर साइड्स आर इक्वल, देख के पता लगता है। सो इट्स अ रोहम्बस, ठीक है। सो गिवन D1 एक डायगनल है, D1 ले लो कोई भी, एवरा एक डायगनल D1 6 सेंटीमीटर, दूसरा डायगनल है 7 सेंटीमीटर। हुण बच्चों सानू रोहम्बस का एरिया पता होना चाहिए। वी नो दैट रोहम्बस एरिया इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट पाके D1 × D2, मतलब प्रोडक्ट ऑफ दी डायगनल्स डिवाइडेड बाय 2। सो एरिया ऑफ दी गिवन रोहम्बस इज इक्वल टू 1/2 × 6 × 7, सो 2 × 6 = 42, सो 42/2 हो गया 2 to the 4, 2 1 the 1, 2 1 the 2, सो 21 सेंटीमीटर² आ गया इस क्वाड्रिलेटर का, जो कि एक रोहम्बस है, ठीक है। अगे चलिए, हुण आ गया बच्चों फाइंड द एरिया ऑफ दी, सेम टाइटल है तो यह साढ़े को दिता हुआ है, इस पैरेललोग्राम साफ पता लगता है। देखो दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर। सो बच्चों जदों बोथ दी पेयर्स ऑफ दी ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर इक्वल, दैट मीन्स दी पैरेलल दी क्वाड्रिलेटर इज अ पैरेललोग्राम। सो इतने में लिखा भी है, देखो एक एच है बच्चों, एवला एच एच है, ओनली वन एच इज गिवन, सो इट इज 3 सेंटीमीटर, ए डी है जरा बच्चों है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। बिकॉज बोथ दी पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, ये तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो फिर अगली गल लिखनी है, वी नो दैट अ डायगनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अगर पैरेललोग्राम होएगी बच्चों, तो कोई भी डायगनल खिंचोगे तो दो ट्रायंगल बनेंगे, एक ट्रायंगल बन गया बड़ा, वन ट्रायंगल इज दिस, तो एक ट्रायंगल है बन गया। ए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होणगे, तो कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब दोनों का एरिया बराबर होएगा। सो यदा मतलब की है कि अगर पैरेललोग्राम दिती हो, डायगनल दिती हो, एक साढ़े को अल्टीट्यूड होवे, तो वी जस्ट फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ए ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करांगे।
तेन दो मल्टीप्लाई कर देंगे क्यों दिस प्लस दिस दोनों एरिया बराबर है ने। सो द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस द एरिया ऑफ वन ऑफ द ट्राइंगल्स। ए बच्चो गल समझनी बड़ी जरूरी है, इन तुसी बार बार पढ़ो, इनू याद कर लो। जो मैं दो एक्सप्लेनेशन दी हैं, पहले कि पैरेललोग्राम क्यों है, फिर पैरेललोग्राम का डायगोनल पैरेललोग्राम टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स विच डिवाइड करता है, इस करके एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस द एरिया ऑफ वन ऑफ द ट्राइंगल्स। सो एवरी ट्राइंगल का एरिया कढ़ लेंगे जिहड़ा अल्टीट्यूड सानू दिता है। सो द एरिया ऑफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज टू, क्योंकि ट्वाइस है ट्वाइस टू इंटू, तो हम ए ट्राइंगल का एरिया ले लेंगे। तो ट्राइंगल सानू पता है वन बाय टू इंटू बेस इंटू हाइट, सो वन बाय टू इंटू डी जो कि इतने बेस है तो इंटू हाइट, ठीक है, इंटू एच। सो यह हो जाएगा बच्चे टू के नाल टू कट गया तो बन गया डी इंटू एच इज इक्वल टू एट इंटू थ्री 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐ साडा आ गया आंसर। अगे चलिए हुण आ गया बच्चों फोर्थ पार्ट। हुण आ गई बच्चों है ट्रेपीजियम आ गया। ट्रेपीजियम देखो इन ट्रेपीजियम ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल। सो ऐ दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड देख के पता लगता है, ठीक है। तो यह हैगी हाइट या अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। सो ए साइड हैगी बच्चों 7 सेंटीमीटर, अदर पैरेलल साइड इज 9 सेंटीमीटर एंड दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू इज अपना 6 सेंटीमीटर। सो इन लिख लेंगे ए, एक साइड में लवेंगे ए 7 सेंटीमीटर, दूसरी नू बी 9 सेंटीमीटर, तो हाइट और द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज एच 6 सेंटीमीटर। हुण इदां लिखना है वी नो दैट द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1 बाय 2 ब्रैकेट पाके ए प्लस बी इंटू एच, ठीक है। सो द एरिया ऑफ द गिवन ट्रेपीजियम इज इक्वल टू ए 1 बाय 2 फिर 7 प्लस 9 इंटू 6, ठीक है जी। हुण ए बच्चे देखो 7 प्लस 9 कितना हो गया 16, सो 1 बाय 2 इंटू 16 इंटू 6, सो 2 3 दा 6 या 2 8 दा 16 कर लो, 8 इंटू 6 48 आएगा, तो जे 3 हो 16 इंटू 3 48 आएगा। सो इनू इस तरह सिंपलीफाई करके 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल विच इन फैक्ट इज अ ट्रेपीजियम, ठीक है। अगला पार्ट देखिए, हम अगला पार्ट आ गया बच्चों, ये भी ट्रेपीजियम है बट इट इज शोन यू नो स्टैंडिंग। जरा असी पहले पार्ट किया ट्रेपीजियम इज शोन एज यू नो लाइंग हॉरिजोंटल इन विच द पेयर ऑफ साइड्स इज हॉरिजोंटल, पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स इज हॉरिजोंटल, हेयर द पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स इज वर्टिकल। सो देख के घबराना नहीं, सेम चीज़ हैगी है, वो हॉरिजोंटल किया हुआ सी वर्टिकल कर देता है, ठीक है ना। सो इतने भी देखो ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स इज 4 सेंटीमीटर एच। सो अगेन वी नो दैट द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1 बाय 2 ए प्लस बी इंटू एच। सो द एरिया ऑफ द गिवन ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1 बाय 2 within bracket 6 plus 8 into 4. So 6 plus 8, 14 ho gaya. So 1 by 2 into 14 into 4. So 2, 7 da 14, 7 into 4 is equal to 28 centimeter square. Aisa sada aa gaya area. So aise hi pyare vidyarthiyo, todi exercise 9.2 da question number 1. Tusi isi tarah neem de naal, utshaah de naal, anushasan naal apni padhai kari chalo. Te agle video tak layi rab rakha. ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।